अरे ये पानी है यार। ओह गॉड, हमने पानी की खोज कर ली। पानी की नहीं, पानी सिर्फ नहीं है, ये पूरा समंदर है यार। ओ गॉड, मार्स में हमने पानी के समंदर की खोज कर ली। तो यार मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे मार्स मिशन का लास्ट एपिसोड, और ये लास्ट एपिसोड इसलिए है क्योंकि हमारा मिशन ये था कि हमें मार्स में ना लाइफ की तलाश करनी थी, और मार्स में हमें जानवर पालने थे, हमें ट्री उगानी थी, हमें पानी की तलाश करनी थी, हमने सब कुछ कर लिया। तो आज के एपिसोड में हमें क्या करना है कि हमें मार्स मिशन से निकलना है और मार्स को टोटली कन्वर्ट करना है अर्थ की तरह, जैसे कि हमारा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है ना, वैसे ही वैसे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं, वो ये है कि हमारा मार्स है ना वो कन्वर्ट हो रहा है, तो जहां तक हमने ट्री उगाए ना वो सब के सब कन्वर्ट हो रहा है यार, बहुत ही अमेजिंग चीज है। मैं बाहर जाने वाला हूँ और तुम देख के शॉक होने वाले हो, तो चलो यार। तो अब यार दिल थाम लो, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ तुम पक्का शॉक होने वाले हो। तो ये सब के सब कन्वर्ट हो रहा है यार, कन्वर्ट हो रहा है ग्रास ब्लॉक में, तो देखो यार। टेन टेन, तो जहां जहां तक हमने ट्री उगाए ना वो सब के सब ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इसमें बहुत कुछ रहता है लेकिन वो भी कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। और हाँ यार, ये मैंने एनिमल्स शीप काओ और ये जो मुर्गियाँ वगैरह थी ना उन सबको रिहा कर दिया, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो अब ये पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, तो इनको यहीं घूमने देते हैं। अभी बहुत सारे हो गए, और चेक करो यार बहुत सारे ट्री भी हो गए। और ये क्या हुआ यार, ये मुझे लगता है क्रीपर यहाँ पे फटा था। कोई बात नहीं, चलो इसको सेट कर लेंगे अभी तो मैं तुम्हें। अरे यार ये कहाँ से आया पागल, तू अभी भी यहीं है पागल कहीं का, अभी भी यहाँ क्या कर रहा है, निकल निकल निकल। तो हाँ मैं क्या कह रहा था यार, ये मार्स है, ये पूरा प्लेनेट अर्थ की तरह कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि हमारा वो नहीं होता माइनक्राफ्ट वर्ल्ड होता है नॉर्मल वाला माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, वैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो यार, ये बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है यार, बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है। अभी यही एपिसोड में मेरे ख्याल में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम शॉक होने वाले हो। ये पूरा हमारे प्लेनेट जैसा बन रहा है यार, इसको आराम से देख लो, क्योंकि उसके बाद ना तुम मार्स को बहुत मिस करोगे। तो चलो यार अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम बनाते हैं गोलेम को, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा मॉब्स आते हैं, तो गोलेम उनको मारने में हमारी हेल्प करेगा। तो गोलेम को बनाने के लिए हमें चाहिए कर्व्ड पम्पकिन चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से पम्पकिन ले लेता हूँ और इनके ना सीड्स बना के और भी ज़्यादा पम्पकिन बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे गोलेम बनाने होंगे। तो चलो चलो इतना काफ़ी है, और मुझे एक चाहिए हॉय चाहिए, तो ये वाला हॉय ले लेता हूँ। और चलो पम्पकिन और भी ज़्यादा उगाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कर्व्ड पम्पकिन चाहिए। वैसे भी हमारा प्लेनेट अब पूरी तरह डर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं यार। वैसे मज़े की चीज़ है, बहुत कन्वर्ट हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। अभी एक और भी काम कर सकते हैं, हमें जल्दी जल्दी पम्पकिन चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि मेरे पास हड्डियाँ पड़ी हैं, हड्डियाँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं उनका ना बोन मील बना सकता हूँ और इनको जल्दी उगा सकता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, बोन मील बना लेते हैं और इनको जल्दी से उगाते हैं। तो हड्डी कहाँ है, यहाँ पे हड्डियाँ नहीं है यार, हड्डियाँ थी हड्डियाँ, ओ तीन हड्डियाँ यार बस, ये हड्डियाँ हमें मिल जाती हैं उनको मार के, स्केलेटन को मार के, तो इससे मुझे मिल जाते हैं थोड़े बहुत बोन मील मिल जाते हैं, तो इनको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें जल्दी पम्पकिन मिल जाए, ठीक है। तो चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ जल्दी हो जाओ। तो सोने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि शेयर्स बना लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कर्व्ड पम्पकिन बनाने के लिए। तो मार्च में बहुत सारा आयरन पड़ा होता है, तो आयरन की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो एक मिनट, ये मिल गया हमें शेयर्स, तो इससे क्या होगा कि हम नॉर्मल पम्पकिन को कर्व पम्पकिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी पम्पकिन भी हमारे नहीं आए, तो हम चलते हैं सोने, और फिर सुबह होगी तो कर्व्ड पम्पकिन हम बना पाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक बो बना लेता हूँ, ये हमारे काम आएगा, जब भी मॉब आते हैं तो उनको मार सकेंगे आराम से, दूर दूर से मार सकेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बो बना लिया है, और एरो भी हमारे पास थोड़े बहुत पड़े हैं। तो यार जब तक हमारे पम्पकिन रेडी हो रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा आयरन लेके आता हूँ। वैसे भी मार्स में आयरन बहुत ज़्यादा है, हर जगह तुम्हें आयरन ही आयरन नज़र आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आयरन लेके आता हूँ, क्योंकि उनको मुझे कन्वर्ट करना होगा ब्लॉक ऑफ आयरन में, और फिर हम बनाएंगे गोलेम्स को। चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है, यहाँ पूरा प्लेनेट आयरन से भरा पड़ा है, तो कोई आयरन की कमी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सारा आयरन लेना है हमें।
अभी मेरे ख्याल में काफ़ी हो गए मेरे पास, कितने हैं 64 और 19 हो गए। चलो मुझे लगता है अब चलना चाहिए यार, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन हो गई हैं, तो इनको भी अभी हमें निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा, हमें इनको फर्नास में डाल के ना इनके आयरन निकालने पड़ेंगे और फिर हम उनको ब्लॉक ऑफ आयरन में कन्वर्ट करेंगे। यार ये देखो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया यार, अभी भी बीच में कुछ रहता है लेकिन वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिशन है कि जहाँ जहाँ तक हम ट्री उगाएंगे ना वहाँ वहाँ तक ये सारे ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितना भी ये रेड सैंड है ना ये ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो यार काफ़ी कन्वर्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है यार। और जहाँ से देखो यार माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा घर यार, ओ माय गॉड ये देखो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। और एक चीज़ नोटिस की है, इन ट्रीज़ का कलर भी चेंज हो रहा है, ये भी नॉर्मल जैसे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड होता है वैसे ही इसके ट्रीज़ का कलर चेंज हो रहा है। अभी ना हमें आयरन के वो बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक मिनट हमें डालना पड़ेगा फर्नास में, लेकिन इसके लिए हमें चारकोल चाहिए, तो चारकोल मैं पहले बना लेता हूँ। यार एक फर्नास में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं और भी फर्नास बना सकता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम और फर्नास बना लेते हैं और साथ साथ में ना हम आयरन को भी निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास जो आयरन ओरे पड़ा है ना उससे हम आयरन निकाल लेते हैं, और एक फर्नास की जगह हम दो तीन बनाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल यार रखते जाओ और फिर आयरन मिलता जाएगा तुम्हें। अभी यहाँ से 9 मिल गए और यहाँ से 10 मिल गए, और अभी पता है क्या, हम इन आयरन से आयरन ऑफ ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये देखो, तो ये ब्लॉक्स हमें 4 मिले हैं यार, बहुत कम मिल रहे हैं यार, मुझे और भी आयरन चाहिए यार, तो मुझे ब्लॉक्स और भी बनाने पड़ेंगे। इससे तो 4 से तो एक ही गोलम बनेगा यार, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी यार। तो एक काम करते हैं कि जल्दी से ना हम जब तक कर्व्ड पम्पकिन बना लेते हैं, तो शेयर से जल्दी से हमारे कर्व्ड पम्पकिन बन जाएंगे, और तब तक फर्नास में ना आयरन भी बन रहा होगा। अभी ना सिंपल क्या करना है कि रखना है और कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है, और फिर कर्व्ड पम्पकिन है ना उसको रखेंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा आयरन कॉलम। ये देखो, हेलो सर, वेलकम टू द मार्स। मार्स में आयरन कॉलम हमने बना दिया। चलो एक और भी काम करते हैं कि एक और भी आयरन गोलेम बना लेते हैं, एक से काम नहीं चलेगा, जोड़ी बननी चाहिए। तो यहाँ से मैंने और भी ज़्यादा आयरन इकट्ठा कर लिया है, तो मैं एक और भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी भी कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक ही ब्लॉक्स बन रहा है यार। मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा हमने आयरन इकट्ठा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी 2 से ज़्यादा हम गोलेम बना सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम 2 ही सही। हेलो सर, आप दोनों खुश रहना यहाँ पे, चलो अच्छी बात है। अभी रात भी होने वाली है तो मॉब्स भी आने वाले हैं, आप लोगों ने फाइट करनी है, जल्दी खाओ, मुझे और भी बच्चे चाहिए यार। ओ कौन रह गया, अरे वो देखो गोलिम लड़ रहा है यार, वो ज़ॉम्बीज आए हुए हैं। अरे गोलिम में आ रहा हूँ, बस मैं आ गया है, सबको मार दिया। वाह मेरे शेरों, वाह तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, ये हुई ना बात। अब यहाँ हमारे मार्स में गोलिम भी हैं। तो यार एक बात है, वो ये है कि हमने सब कुछ अपने ना इस प्लेनेट में कर लिया है, अभी कुछ रहा नहीं है करने को। तो मैं अब वापस जाने का सोच रहा हूँ, यानी कि मैं अपने घर वापस जाने का सोच रहा हूँ। तो मुझे ना एक शिप और भी याद है जो कि हमने देखी थी, तो याद होगा जहाँ से हमने जहाँ से हमने एग्स वगैरह लेकर आए थे, चेस्ट जहाँ पर हमें मिला था। तो मैं ढूँढ रहा हूँ उस शिप को, और फिर हम देखते हैं कि उससे हम वापस जा सकते हैं कि नहीं। हमारा तो शिप यार ख़राब है, याद होगा मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें तोड़ दी थी, तो इस वजह से हम वापस नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ दूसरा शिप, क्या पता वहाँ पे मुझे कोई काम की चीज़ मिल जाए जिससे मैं वापस जा सकूँ। और यार मैप देखो यार, पूरा ग्रीनरी हो गया है ना। सही है, ये और भी ग्रीन हो जाएगा जब बाकी सैंड है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। यार तुमने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये कि जब हम स्टार्टिंग में मार्स में आए थे ना, तो आसमान में कुछ नहीं था, वो खाली होता था और बहुत अंधेरा होता था। लेकिन अभी देखो यार, अभी रात हो रही है और आसमान में ना सितारे भी हैं और चांद भी है। तो तुमने ये चीज़ नोटिस की है यार, ये प्लेनेट पूरी तरह कन्वर्ट हो रहा है नॉर्मल प्लेनेट की तरह, यानी कि हमारे अर्थ की तरह कन्वर्ट हो रहा है, जैसे हमारा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड होता है वैसे ही कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि अब आसमान में भी सितारे होंगे यार, चांद भी होगा, और सुबह सुबह सूरज भी निकलेगा, यानी कि हमने मार्स को टोटली कन्वर्ट कर दिया यार। वाह मजा आ गया।
जहाँ तक मुझे याद है ना, यहीं कहीं शिप होनी चाहिए यार। ओके, ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया? ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया पागल कहीं का? हमारे से पंगा मत ले, अभी हमें शिप ढूंढनी है। तो वो शिप थी ना, वो किसी ऊंची जगह पे थी। यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं यार, मुझे सोना होगा। जल्दी से यहाँ से तो भागो यार, इससे पहले कि हम पे कोई अटैक करे। जल्दी भाग जाओ, जल्दी 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 भागो यार, भागो जल्दी भागो। वो अभी पीछे आ रहे हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे सो सकता हूँ, जल्दी से हम सो जाते हैं ताकि सुबह हो जाए। अभी मैं अगर मर गया तो मैं वापस सुबह घर पहुँच जाऊँगा, और मैं घर पहुँचना नहीं चाहता। ओके, अब सारे के सारे आग में जलो तुम लोग पागलों। तुम लोगों को किसने कहा था मुझसे पंगा लेने के लिए? अब जलो सारे के सारे, जल्दी से सो जाते हैं, जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं यार बेड। ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, और ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और ये गुड मॉर्निंग हो गई। ठीक है यार, फाइनली यार, अभी तक शिप नज़र नहीं आ रही मुझे। अभी क्या करूं इस प्लेनेट पे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारी शिप तो पूरी तरह ख़राब है, मैं वापस कैसे जाऊंगा? ओ गॉड, अभी ये अजीब से पहाड़ों में पहुंच गया हूं यार, जहां पे किसी का आता पता कुछ नहीं है। पूरे प्लेनेट में मैं अकेला, अब मैं क्या करूंगा क्या करूंगा? ओके, नीचे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ये पानी है क्या? अरे ये पानी है यार। ओह गॉड, हमने पानी की खोज कर ली। पानी की नहीं, पानी सिर्फ नहीं है, ये पूरा समंदर है यार। ओह गॉड, मार्स में हमने पानी के समंदर की खोज कर ली। ये मुझे पहले क्यों नजर नहीं आया यार? ये पहले नजर आ जाता तो हमारा पूरा का पूरा सीरीज ना बहुत इजी हो जाता यार। ओह गॉड, ये मुझे लगता है ये अभी बना है यार, अभी ये हमारे प्लेनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओह, वहां पे एक डॉल्फिन भी है, वो देखो। मुझे लगता है ये कन्वर्ट हुआ है ना, मतलब प्लेनेट पे कन्वर्ट हुआ है ना, यानी कि नॉर्मल प्लेनेट पे यार, जो अपना वर्ल्ड है ना वैसे माइनक्राफ्ट का नॉर्मल होता है, उसमें कन्वर्ट हुआ ना, उसी वजह से ये पानी बन रहा है। मतलब मुझे ना जल्दी से एक बोट बनाना होगा। ओके, अब मैं इसको कहाँ रखूँ? पूरा का पूरा हमारा आज भरा पड़ा है, तो टाइम आ गया है कूदने का। तो चलो यार पानी में कूदते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या कुछ मिलता है। तो जल्दी से पानी में कूदते हैं। ओके 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 ओके, ओए नहीं नहीं, ये मैं फेंक क्यों रहा हूँ? फेंकना नहीं है मुझे, फेंकना नहीं है, जल्दी मुझे। ओए डॉल्फिन खाने आया था वो डॉल्फिन, वो खाने आया था, ब्रेड खाने आया था यार। हमने वापस ले लिए ब्रेड। ओके, मैं बोट पे बैठ गया हूँ। कभी कोई सोच सकता है कि मार्स में मैं बोट चला रहा हूँ? ओके, यहाँ पे अजीब सी दुनिया है यार, चेक करो। ये मार्स ऐसा था क्या? पता नहीं, ये पूरा समंदर से घेरा पड़ा है। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है? ये इधर भी केव है क्या? अभी मुझे उधर केव के अंदर जाके देखना चाहिए कि क्या कुछ मिलता है। क्या पता अंदर भी कोई लाइफ हो यार, कोई न्यू लाइफ मिल जाए। वहाँ पे मुझे एक आइलैंड नज़र आ रहा है, तो मैं वहाँ पे जाने का सोच रहा हूँ, आइलैंड पे जाने का सोच रहा हूँ। तो चलते हैं जल्दी से और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये कोई घर टाइप का लग रहा है यार, मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई चेस्ट होना चाहिए, या फिर ये क्या चीज़ है? नहीं, ये कोई और चीज़ है, ये वैसे ही है। अरे ये यार, ये वो ग्रेव स्टोन मेरे ख्याल में इसको बोलते हैं, वो है। इससे हमें फ्लिंट मिल सकता है। अगर हमें इससे फ्लिंट मिल गया तो हम स्टील एंड फ्लिंट बना सकते हैं, और लावा भी पड़ा हुआ है तो हम ऑब्सिडियन भी बना सकते हैं। और मैं एक काम कर सकता हूँ ना, पता है क्या, मैं नेदर पोर्टल में जाके ना वापस से नेदर पोर्टल के अंदर एक और हम बना देंगे ऑब्सिडियन से। ओ मिल गया फ्लिंट मिल गया। मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ आराम से अपना। देखो आइडिया क्या है, हमें जाना है नेदर पोर्टल में, ठीक है? लावा भी पड़ा है, फ्लिंट और स्टील भी बन जाएगा, तो हम ऑब्सिडियन से हम क्या बनाएंगे, नेदर पोर्टल बनाएंगे, उसके अंदर जाएंगे और एक अंदर भी नेदर पोर्टल बनाएंगे, जिससे हम अपने प्लेनेट पे वापस पहुंच जाएंगे। ये देखते हैं वर्क करता नहीं करता, जहां तक मुझे पता नहीं ये वर्क करेगा। तो जल्दी से हम एक काम करते हैं कि लावा उठाते हैं, एक काम करते हैं ऑब्सिडियन सीधा यहां बना देते हैं। तो हमें ना बकेट ऑफ वाटर चाहिए, तो जल्दी से हम ऑब्सिडियन बना लेंगे, ठीक है? तो जल्दी से यहां पे भी एक बना लो। ओके, ये बहुत कम बन रहे हैं। ओह माय गॉड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सिडियन बन गया यार। नीचे पूरा लैन है ऑब्सिडियन से भर गया यार। ये लावा भी ऊपर से आ रहा है, इसको भी बंद करना पड़ेगा, और हमें और भी ऑब्सिडियन चाहिए। तो जल्दी से अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं। तो यहाँ से हम मुझे आयरन मिल गया, और यहाँ से ये फ्लिंट एंड स्टील मिल गया, ठीक है हमारा काम हो जाएगा। तो बाकी अब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे। चलो अब वापस चलते हैं हम नेदर पोर्टल के अंदर। हा हा हा।
तो कुछ यूं बनाना है हमें नेदर पोर्टल, वैसे नॉर्मल होता है वैसे ही बनाना है, लेकिन ऑब्सीडियन में ज़्यादा ज़ाया कर रहा हूँ यार, ज़ाया नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है अभी तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तो हमें ना हमें नेदर पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा, और कोई भी चारा नहीं है मुझे, कहीं पे भी ना वो शिप नज़र नहीं आई, तो क्यों ना मैं नेदर पोर्टल के ज़रिए अपने डायरेक्ट अपनी दुनिया में चला जाऊँ। तो ये वर्क करता है तो ठीक है, अगर वर्क नहीं करता तो फिर इसका एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा हमें मार्स मिशन का, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना तो है यार। वैसे ये कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल अर्थ की तरह कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें फिर भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो ठीक है बन गया, अब जाऊँ कि नहीं जाऊँ यार, मुझे लगता है जाना चाहिए, मुझे लगता है जाना चाहिए यार, पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ओके चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, और ये ओके नेदर पोर्टल है। ये अजीब सी चीज़ आ गई, ये मैंने पहली दफ़ा देखा यार, ये क्या, ये कहाँ पहुँच गया मैं यार, अजीब बात है, ये नेदर पोर्टल तो नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी मुझे। ओ माय गॉड, वो अजीब ही कोई एलियन टाइप का लग रहा है मुझे, ये मेरे ख्याल में न्यू अपडेट आया उसकी वजह से हुआ है, या फिर ये मार्स मिशन में ही नेदर पोर्टल ऐसा होता है, पता ही नहीं है यार मुझे। मुझे अभी क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, मुझे ना ही किसी से पंगा लेना है, मुझे अभी एक और नेदर पोर्टल बनाना होगा थोड़ा सा दूर, बिल्कुल करीब बनाओगे तो हो सकता है तुम वापस जहाँ से आए हो वहीं पे तुम्हें मतलब जगह मिल जाए, लेकिन हम यहाँ पे बनाते हैं ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि हम दूसरी जगह पे पहुँच सकें। तेरी ऐसी की तैसी, अरे यार नहीं लेना चाहिए पंगा, चलो हम जा रहे हैं वापस यार, चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, प्लीज़ चल, प्लीज़ आज पे पहुँचा देना, प्लीज़ आज पे पहुँचा देना, प्लीज़ आज पे पहुँचा देना। ओके ओके ओके, ओ पहुँच गए, ये वर्क किया यार, ये हमारा आइडिया वर्क किया। ओह माय गॉड, हम मतलब मार्स से हम नेदर पोर्टल में गए और नेदर पोर्टल से सीधा के सीधा अपने अर्थ में पहुंच गए, अपने वर्ल्ड में पहुंच गए। ओह माय गॉड, मैंने यार इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा मिस किया यार, थैंक यू सो मच। ओह गॉड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे यहाँ पे, अभी मुझे देखना होगा मैं कहाँ पे हूँ, अगर मैं वापस नेदर पोर्टल के अंदर जाऊँ तो हम मार्स में भी पहुँच सकते हैं, यानी कि अब हमारा नेदर पोर्टल हमें मतलब अर्थ से मार्स में भी लेके जा सकता है, मार्स से अर्थ में भी लेके आ सकता है, वाओ। तो यार चलो यार, रात भी हो रही है और मैं वापस जाना नहीं चाहता, तो मैं क्यों ना इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये सीरीज का एंड था, तो फाइनली हमने अपने मार्स को कन्वर्ट कर दिया। ओ क्यों मार रहा है यार मुझे, बात करने दे। तो हमने मार्स को कन्वर्ट कर दिया अर्थ में, और हाँ हम वापस अपने दुनिया में भी वापस आ गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप यार तुम्हें सीरीज़ का मज़ा आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़े का सीरीज़ था जो अभी जो सीरीज़ स्टार्ट की है ना, वो और भी ज़्यादा मज़े का है, वो सीरीज़ है द ड्रैगन वर्ल्ड, जिसमें तुम्हें हर किस्म के ड्रैगन मिलेंगे माइनक्राफ्ट में, तो वो सीरीज़ भी देखो यार, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखो यार, मैं तुम्हें नीचे लिंक दे दूंगा। तो मज़ा आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, और तो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।